So, as you know, through the day we've been speaking about people volunteering, people doing their bit for Swachhata, Swachhata being Seva and all that. I must say that, and we were very encouraged by the response. So I have to say that there are a lot of individuals and groups who are trying to do their bit. Some of them against all odds and some of them with a lot of help, but everyone's trying to do their bit. So we started this competition and we had about 300 or more than 300 people send in fascinating work that they're all doing around this topic of Swachhata, hygiene, sanitation, cleanliness, tree plantation. So we had a really tough time narrowing the list down. So I'm just going to introduce them. There's Mr. Tiwari. He's part of Clean Paonta, Green Paonta. It's a very interesting initiative, and it's trying to keep the small industrial town pollution-free. So this was started by the citizens. It's a mission cleanup. There are 35,000 children involved in this mission cleanup. So we have Mr. Tiwari here to speak about this Green Paonta, Clean Paonta, which he's obviously made into a big, big movement. So. We'd like to speak to Mr. Tiwari, if he can My name is Vivek Tiwari and I'm a filmmaker. I'm from a small town called Paonta Sahab in Himachal Pradesh. And this actually movement called Clean Paonta, Green Paonta was started by my father as a small WhatsApp group. Just to know ki what other citizens feel about cleanliness. And the response was very good. And slowly and gradually, बहुत सारे लोग उसमें आए. उनके मैं नाम लेना चाहूँगा. मिस्टर पंकज भटनागर हैं, मिस्टर सुरेश तोमर हैं, सुखविंदर सिंह जी हैं. तो ये सब लोग मिल के उन लोगों ने कहा कि हम इसको आगे कैसे बढ़ा सकते हैं. तो उन्होंने ग्रुप में फोटोग्राफ्स डालने शुरू किए. जहाँ भी कचरा होता था या जहाँ पर भी गंदगी होती थी, वो लोग उसमें व्हाट्सएप ग्रुप पर डालते थे. और वहाँ से प्रशासन को पता लगता था कि यहाँ पर कचरा है तो हमको इसकी सफाई करनी है. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मूवमेंट धीरे धीरे धरातल पर आई. और फिर जो CPGP इसको हम बोलते हैं, क्लीन पॉइंटा ग्रीन पॉइंटा ग्रुप को, ये लोग स्कूल में जाने लगे और बच्चों को जो है वो अवेयर कराने लगे अबाउट दिस थिंग. बिकॉज ये बहुत ज़रूरी था. दे बिकेम आर एम्बेसडर्स फॉर दिस ड्राइव. एंड बच्चों से जो उनकी सुबह प्रेयर होती थी, उसके बाद वो लोग 10 मिनट उनसे मिलते थे और उनको बताते थे कि आपने घर पर जाके अपने माता पिता से सिर्फ ये पूछना है कि आप अपना कचरा कहाँ फेंकते हैं, या हमारे यहाँ डस्टबिन है कि नहीं है. एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली सारे पेरेंट्स जो है शुरू में बहुत इरिटेट होते थे कि ये किस तरह का सवाल है, लेकिन एक एम्बेरसमेंट होती थी. और जो लोग के पास डस्टबिन नहीं था वो लोग डस्टबिन रखने लगे. और धीरे धीरे वो लोग जो कम्युनिटी का जो जो मेन डस्टबिन होता था वहाँ डालने लगे. एंड जब मैंने इस पर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, देन इट वॉज समवेयर अराउंड 17,000 पीपल. टुडे देर आर मोर देन 30,000 स्टूडेंट्स हु आर यू नो वॉरियर्स एंड एम्बेसडर. नाउ एक और प्रॉब्लम छोटी सी यहाँ पर ये थी कि हमारा जो पॉन्टा साहब है वो यमुना के किनारे है, और उस पार उत्तराखंड है और इस पार हिमाचल है. तो हम लोग तो पॉलीथीन यहाँ बचा लेते थे किसी तरीके से लोगों को अवेयर करके, लेकिन वहाँ हर थर्सडे को एक पीठ लगती है, एक छोटी सी मार्केट लगती है जहाँ लोग जाते हैं और सामान लेके आते हैं, और वो लोग पॉलीथीन में वो सामान वापस हिमाचल में लेके आ रहे थे. तो हम हर थर्सडे को एक मूवमेंट चलाते हैं क्लीन पॉइंटा ग्रीन पॉइंटा के नाम से, जहाँ हमारे जितने भी वॉलंटियर्स हैं वो लोग वहाँ पर खड़े होते हैं और लोगों को अवेयर कराते हैं कि आपको पॉलीथीन का इस्तेमाल नहीं करना है. क्लीन पॉइंटा ग्रीन पॉइंटा. थैंक यू.